उबाड़ो एसएसपी गोटकी उमर तोफैल के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस का दस्ता बख्तरबम गाड़ियों समेत दरियासिन के नोगो एरिया में दाखिल हो चुका। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर राहगीर सनाउल्ला सलेरो हलाक हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से फायरिंग के तबादले में डाकू रजब शर का भाई खुदा बख्शर समेत तीन डाकुओं को जख्मी करने का दावा, जबकि पुलिस ने जिला बेनजीराबाद के लादोड़ के मगवी इशफाक हिजानों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया, जबकि इलाक होने वाले सनाउल्ला की लाश को तालका हॉस्पिटल ओबाड़ो मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। एसएसपी घोटकी उमर तोफैल के मुताबिक ऑपरेशन में जिले की निस्फ नफरी हिस्सा ले रही है। डाकुओं के पास जदीद असला और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर खतरनाक हथियार मौजूद है। ऑपरेशन में पुलिस मोबाइल बख्तर बम चेन एपीसी सैकड़ों पुलिस एहलकार शामिल हैं। एसएसपी घोटकी का मजीद कहना था कि रोंती कच्ची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी ऑपरेशन में डाकू के सरगना रजब शर समेत दीगर जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मकबूल बिलाल, एचएनएन न्यूज़, ओबाड़ो।